10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है फलस्तीनियों की, जिसके अंदर 4,000 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं और कई औरतें हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं जिनकी जान गई है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए से, चाहे डिप्लोमेसी प्रेशर डालने की वजह से इसराइल को सीज फायर इमीडिएटली कराना है, हमारी ये डिमांड है। गुलबर्गा के पूरे ऑर्गेनाइजेशन आज ये डिमांड करते हैं कि फौरी सीज फायर लगाया जाए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. आज ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की तरफ से गुलबर्गा में एहतजाज रखा गया था। एहतजाज के दो मकसद थे, एक तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करना था और इसराइल की जो बर्बरियत है, जो जिनेसाइड है, जो टेररिज्म है, उसको कंडेम करना है। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में ये वाजे किया कि इंडिया का जो 1948 से जो मौकूफ है, जो हमारा स्टैंड है, उसको बरकरार रखते हुए जो भी प्रो पैलेस्टीन कदम होना है हमें उठाना है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए से, चाहे डिप्लोमेसी प्रेशर डालने की वजह से इसराइल को सीज फायर इमीडिएटली कराना है, और जो वार क्राइम हुए हैं, वार क्राइम के लिए इसराइल को इसको दोषी बनाकर इसका हिसाब भी लेना है। क्योंकि हम देखते हैं OIC एक टूथलेस टाइगर हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, खाली हर एक दिन नए नए बहाने। ईरान अब जंग छेड़ने वाला है, लीबिया यहाँ से करने वाला है, सीरिया वहाँ से करने वाला है, ये चारा नहीं के दिवाली में जो एक रुपए के सुतली बम आते हैं ना छोटे, वो ठुस सुतली बम है। ये हमारे इस्लामिक कंट्रीज, इनसे कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। हम आवाम को, पूरी दुनिया की जो जो भी आवाम है, चाहे इंडिया की आवाम हो, चाहे USA की आवाम हो, जो UK की आवाम हो, वो लोग सच्चाई के साथ, मजलूमों के साथ और जो सच के साथ उनको ठहरना है। और सबको मालूम है कि यहाँ पर इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है, एक अपार्थाइड मुल्क है, जो 1948 से फिलिस्तीन के मासूम फिलिस्तीन की ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का जो परसों जो स्टैंड था UN में, वो बहुत ही काबिले कबूल है। सीज फायर के लिए डिमांड की है और 120 कंट्रीज UNO में रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद भी इसराइल के कान में जू नहीं रख रही है। वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है अमेरिका, उसके सपोर्ट पे वो नाच रहा है। अगर अमेरिका का सपोर्ट जरा हट गया तो इसराइल भीगी बिल्ली के जैसा खामोश रहेगा, लेकिन अमेरिका की जो गुंडागर्दी है उसके सपोर्ट में इसराइल ये गुनाह कर रहा है, ये जेनोसाइड कर रहा है। इंडिया के गवर्नमेंट से हमारा डिमांड यही है कि आपको जो प्रो पैलेस्टाइन हमारा जो स्टैंड है 1948 से, इसको बरकरार रखना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज गुलबर्गा के तमाम ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यहाँ पर जितने भी सोशल, पॉलिटिकल और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने मिलकर आज यहाँ पर गुलबर्गा DC ऑफिस पे जो एहतजाज कर रहे हैं फलस्तीन के ताल्लुक से, जो सॉलिडेरिटी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है फलस्तीनियों की, जिसके अंदर 4,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं और कई औरतें हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं जिनकी जान गई है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इंडिया की सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कल जो UN के रेजोल्यूशन में जो सीज फायर के लिए जो इंडिया जो वहाँ पर स्टैंड लिया है, वो बहुत ही मुबारकबाद है। और हमारी तकलीफ को, हमारी एहसास को, हमारे सेंटिमेंट को समझकर जो इंडिया ने जो फैसला लिया है, हम मुबारकबाद कहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया जो एग्रीकल्चर, जो मिलिट्री, जो डिफेंस और वाटर प्लांट, जो इसराइल के साथ जो टाइप है, वो तमाम टाइप को खत्म करना है और फलस्तीन की सॉलिडेरिटी के साथ खड़े होना है। जब तक आप लोग ये जो बयानबाजी है, ये जो बातें हैं, ये छोड़कर जब तक हक के लिए, सही सॉलिडेरिटी के लिए खड़े नहीं होंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। आज उसी को डिमांड लेकर आज सभी ऑर्गेनाइजेशन लोग मिलकर यहाँ पर एहतजाज किए हैं। जिस तरह से फलस्तीनियों पे बमबारी हो रही है, ये गैर इंसानी
हकूक है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हमारी ये डिमांड है, गुलबर्गा के पूरे ऑर्गेनाइजेशन आज ये डिमांड करते हैं कि फौरी सीज फायर लगाया जाए। और दूसरा ये डिमांड है कि जिस तरह से यूएन में रेजोल्यूशन जो पास हुआ है उस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द सीज फायर लगाया जाए। तीसरा हमारी ये जो बात आई है कि जिस तरह से इसराइल एक पूरे दुनिया भर में इसराइल एक टेररिस्ट देश करार देने के लिए आवाज उठ रही है, एहतजाज हो रहे हैं कि इसराइल एक टेररिस्ट देश डिक्लेयर करो बोल के, हमारी ये डिमांड है कि इसराइल को एक टेररिस्ट देश करार दिया जाए। और चौथी बात यह है कि नितिन याहू अपने आप में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हमारी ये डिमांड है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में नितिन याहू को अरेस्ट करें और सरेआम उसको फांसी दिया जाए। शुक्रिया। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।